दुखद समाचार आज मुझे मिला गुफी जी एक बहुत ही क्लोज हमारे ना सिर्फ मेरे को एक्टर रह चुके हैं बल्कि बहुत फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। पिछले 20-25 सालों से हम लोगों का फैमिली इंटरेक्शन लगातार रहा है, दुख में सुख में हमेशा मेरी फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत समय साथ बिताया। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और बीच में उनके बेटे हैरी से बात होती रहती थी तो उसने बोला अंकल मेरी बेटी तो मेरी वाइफ तो उन्हें अंकल कह के बुलाती और सबको खुश रखते थे, लाइफ को जीना उनको आता था। लेकिन आई थिंक उम्र के इस पढ़ाव पे आके शायद ओल्ड एज रिलेटेड कुछ उनको बीमारियाँ हुई जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहते। जी हाँ मुझे याद है हम लोगों ने एक सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी, एक फिल्म मैंने की थी घर आया मेरा परदेसी जिसमें मेरे साथ भाग्यश्री थी और उसमें गुफी जी भी थे। तो मुझे याद है उससे भी पहले एक बार जब गुफी जी बीआर फिल्म्स में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में थे तो उन्होंने मुझे एक बार, तब मैं हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करता था, तो उनका एक बार फ़ोन आया कि मॉडलिंग के लिए उन्हें मेरे फोटोग्राफ्स पसंद आए हैं, दे वॉन्ट टू यूज़ मी फॉर एन एड फिल्म और रवि चोपड़ा जी खुद ही डायरेक्ट करेंगे इसको। तो मुझे याद है वो हम लोगों ने चर्च गेट में और कई जगह पे शूटिंग की थी, डिटॉल सोप की एड थी। तो फर्स्ट टाइम गुफी जी को एक्चुअली मैं तभी मिला था लेकिन ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो शूटिंग में उनका इतना आना जाना नहीं था, लेकिन बस फ़ोन पर बात हुई थी, एक बार उनको ऑफिस में मिला। उसके बाद घर आया मेरा परदेसी की शूटिंग में हम लोग ने आउटडोर भी किए, हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना रहा उन दोनों, शूटिंग के साथ करते थे, शूटिंग के बाद हम लोग आउटडोर था तो शाम को साथ में उठना बैठना भी रहता था, तब से उनके मैं काफ़ी क्लोज आया। तो उसके बाद फिर हम लोग सब फैमिली फ्रेंड्स बन गए और मेरे घर के पास ही रहते थे इनफैक्ट, तो आना जाना लगा रहता था।